वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। सिंघू बॉर्डर पर ठहरे किसानों ने सोमवार को भी अपने विरोध प्रदर्शन अलग अलग तरीके से जारी रखे। यहां पहुंचे एनआरआई एवं अन्य युवाओं ने बैनर हाथ में लेकर किसानों के पक्ष में मार्च निकाला, तो वहीं ओडिशा से आए किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान सरकार का विरोध करने का एक अनोखा तरीका निकाला। इस दौरान किसानों ने धरना स्थल पर अपना सिर मुड़वा कर विरोध जताया और साथ सरकार से नए कानून को वापस लेने की मांग की। कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए सर्दी ने कठिन हालत पैदा कर दिए हैं। किसानों को ठंड से बचाने के लिए पंजाब से वाटरप्रूफ झोपड़ियां पहुंचाई जा रही हैं। रात के समय अधिकतर किसान इन झोपड़ियों में सोने लगे हैं। वहीं किसानों की बिगड़ती सेहत के चलते युवाओं ने बुजुर्गों की देखभाल बढ़ा दी है और उन्हें चिकित्सीय सुविधाएँ पहुँचाई जा रही हैं। सोमवार को भी 10 किसानों को बीमारी के चलते आसपास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि सरकार अभी भी झुकने का नाम नहीं ले रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यह प्रदर्शन कितने दिनों तक चलते हैं। फिलहाल इसके 19 दिन पूरे हो चुके हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी भी कोई किसानों की तरफ झुकाव दिखाई नहीं दे रहा है। इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।